हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल का आज का टॉपिक है अ मॉरल टेस्ट। ये टेस्ट हैं यानी कि अभी परीक्षा हो रही है आपकी नैतिकता की, आपका जो मॉरल है वो उस परीक्षा में पास हो पाते हैं या नहीं। ये पूरी दुनिया, ये पूरे विश्व के लिए है। और ये जो आज का जो टॉपिक है वो यह है कि जो प्रिविलेज्ड नेशंस हैं, जो रिच नेशंस हैं, वे क्या कर रहे हैं, अपने पास जो वैक्सीन है वो जमा कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो गरीब या जो पुअर नेशंस हैं, वीक नेशंस हैं, उनको वैक्सीन जो है वहाँ पर एक खुराक भी नहीं मिल पाई है, जबकि कुछ देशों में इतना खुराक जमा हो चुके हैं कि उसके लगभग कुछ जो हिस्से हैं या कुछ प्रतिशत जो है, यानी कि लगभग जैसे अमेरिका में जो है 10% लोगों को जो है वैक्सीनेशन लग चुका है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये जो इक्विटेबल एक्सेस या अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है वैक्सीन्स का पूरे विश्व में, उसी पर ये आज का एडिटोरियल पर चर्चा है। और हम आपके साथ अमिताभ आनंद, आगे देखते हैं क्या है। प्रिविलेज्ड नेशंस मस्ट इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन्स। प्रिविलेज्ड नेशंस यानी कि वे जो अमीर देश हैं या जो विशेषाधिकार प्राप्त जो राष्ट्र हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको उनको सुधार लाना चाहिए किसी चीज़ पर। ग्लोबल अवेलेबिलिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन्स का जो वैश्विक जो उपलब्धता है, और इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत। ठीक है, न्याय संगत जो एक्सेस जो हासिल होना है वैक्सीन्स का, वो चीज़ पर आप कह सकते हैं कि ये जो प्रिविलेज नेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर सुधार करना चाहिए। A year after the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic, यानी कि World Health Organization जो है इस pandemic को जो है, मतलब COVID-19 को जो है एक pandemic घोषित करने के बाद, ठीक है ना, एक साल के बाद, UN Secretary General जो है Antonio Guterres has criticized, ये जो UN के जो Secretary General है Antonio Guterres ने, उन्होंने आलोचना की है किस चीज़ की, the many examples of vaccine nationalism and hoarding in the world, विश्व में जो कई सारे उदाहरण मिल रहे हैं किस चीज़ के, वैक्सीन नेशनलिज्म, यानी कि एक राष्ट्र जो सोचता है कि ये जो है वैक्सीन वो मेरे ही राष्ट्र में रह जाए और किसी को ना मिले, तो ये जो नेशनलिज्म जो है वैक्सीन्स को लेकर, ठीक है, जो राष्ट्रवाद है उसको लेकर, और होर्डिंग, होर्डिंग मतलब जमाखोरी, ये जो वैक्सीन की जो जमाखोरी की जा रही है उसको लेकर जो है पूरे विश्व में ये जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, उसको एंटोनियो गुटेरेस ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है। मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन्स इक्विटेबली प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट मॉरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम्स, ही एडेड। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन्स को उपलब्ध कराना इक्विटेबली, न्याय संगत तरीके से, ये पेश करता है एक ग्रेटेस्ट मॉरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय का सबसे बड़ा एक मतलब कि नैतिक परीक्षण है ये। इन स्पाइट ऑफ एग्जोटेशंस बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफर्ट्स टू पुल रिसोर्सेज इन अ वे दैट ऑल कंट्रीज कुड एट लीस्ट एट द अर्लीस्ट बिगिन इनोकुलेटिंग एट लीस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ देयर मोस्ट वल्नरेबल, सेवरल कंट्रीज वर अनेबल टू एडमिनिस्टर अ सिंगल डोज although vaccines were beginning to be stockpiled since November last। कहा जा रहा है कि in spite of exhortation, in spite को का मतलब क्या हो, के बावजूद, ये जो exhortations, exhortations का मतलब एक encouragement या persuasion होता है कोई भी चीज करने का, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो एक प्रोत्साहन जो दिया जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा एक प्रोत्साहन दिया जा रहा था और जो एफर्ट्स की जा रही थी, प्रयास किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि टू पूल रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों को इकट्ठा करने का जो प्रयास था, एक ऐसे तरीके से जिससे कि सारे देश जो हैं वो शुरू कर सके जल्द से जल्द, ठीक है, टीका देना, यानी कि टीकाकरण करना, एटलीस्ट ऑफ किसको, एटलीस्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ देयर मोस्ट वल्नरेबल, कम से कम उनके यहाँ जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, सबसे कमजोर, ऐसे लोग, वल्नरेबल और वीक में जरा सा अंतर है, वीक वीक होते हैं, हो सकता है वो वल्नरेबल ना हो, लेकिन वल्नरेबल जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो इजीली अफेक्टेड हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो जो सबसे कमजोर वर्ग हैं उसका कम से कम एक हिस्सा को जो है इनोकुलेट किया जाए
ठीक है, उससे शुरू करने के लिए सारे देशों को इस तरीके से जो है प्रयास किया जा रहा था कि रिसोर्स को इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तो इस सब के बावजूद, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जोटेशंस के बावजूद और उन प्रयासों के बावजूद जिसके तहत जो है रिसोर्सेज को यानी संसाधनों को इस तरीके से इकट्ठा किया जाना है जिससे कि सारे कंट्रीज कम से कम, मतलब कि कम से मतलब कि जल्द से जल्द जो है वो शुरू कर सके इनोकुलेट करना यानी कि टीकाकरण करना, कम से कम अपने जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है उनके एक फ्रैक्शन को, एक हिस्से को। तो इसके बावजूद क्या हुआ है कि सेवरल कंट्रीज जो है, कई सारे जो देश हैं वो क्या हुए हैं, वो अनेबल, वे असमर्थ थे देने में, जो पहला खुराक है वो भी देने में जो है वो असमर्थ थे, सिंगल डोज भी देने में वो असमर्थ थे। ऑल दो हालांकि वैक्सीन्स वर बिगिनिंग टू बी स्टॉकपाइल, हालांकि जो वैक्सीन्स जो हैं, ठीक है, ये जो टीके जो हैं वो जमा करने शुरू हो गए थे सिंस लास्ट नवंबर लास्ट, यानी कि पिछले नवंबर से ही इसे जमा करना शुरू कर दिया गया था। इन अफ्रीका ओनली 13 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर, यानी कि ब्लूमबर्ग ट्रैकर के अनुसार अफ्रीका में केवल 13 देश जो हैं उसने वैक्सीनेट करना शुरू किया है यानी कि टीकाकरण करना शुरू किया है। इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत जो है ओवर 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, यानी कि अमेरिका की आबादी का, अमेरिकी आबादी का 10% से अधिक लोग जो हैं उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है यानी कि दोनों खुराक मिल चुकी है और गॉट बोथ डोजेस, या तो उनको दोनों खुराक मिल चुकी है, एज हैज 3% ऑफ द यू, उसी तरह जो है ईयू, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के 3% लोगों को जो है या पॉपुलेशन को जो है वो फुल्ली वैक्सीनेट किया जा चुका है। ठीक है ना, द परसेंटेज नियरली डबल, ये जो परसेंटेज है 3% जो है ये डबल हो जाता है जब आप अकाउंट, व्हेन अकाउंटिंग फॉर देयर पॉपुलेशन दैट हैव गॉट एटलीस्ट वन डोज, जब आप उन आबादी के बारे में मतलब अकाउंट, उन आबादी के बारे में लेखा जोखा करते हैं जिन्हें केवल कम से कम एक डोज, एक खुराक मिली है, यदि उसके बारे में अगर आप करते हैं तो ये जो परसेंटेज डबल हो जाता है, रीचिंग एज हाई एज 34% इन द यूके, और यह जो है ये होकर कितना हो जाता है 34% तक हो जाता है इन द यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट वैक्सीनेटर अमंग कंट्रीज, ये कहा जा रहा है कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा वैक्सीनेटर है मतलब कि पूरे देशों में। ठीक है ना, यानी कि विश्व भर में ये अगर सारे देशों की तुलना की जाए तो ये इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा वैक्सीनेटर है। हैविंग एडमिनिस्टर, इसने जो है दिया है यानी कि वैक्सीनेट किया है, ठीक है ना, लगभग 26 मिलियन डोजेस को, यानी कि 26 मिलियन खुराक को लगभग उन्होंने, इंडिया ने दिया है, और अबाउट 1.9 डोजेस पर 100 पीपल, या लगभग आप कह सकते हैं 1.9 डोजेस पर 100 पीपल, यानी कि 100 लोगों में 1.91 डोजेस, यानी कि लगभग 2 लोगों को जो है ये वैक्सीनेट किया गया है या वैक्सीन एडमिनिस्टर किया गया है वैक्सीन डोजेस को। ठीक है ना, बट इट हैज़ फुल्ली वैक्सीनेटेड, लेकिन इसने जो है पूरी तरह से वैक्सीनेट किया है, मतलब दोनों खुराक जो दिया है, केवल कितने परसेंट को, अपने आबादी के 0.3% को। ठीक है ना, अपने आबादी के केवल 0.3% को ही ये फुल्ली वैक्सीनेट, मतलब दोनों, ये जो है आपका जो 26 मिलियन डोजेस जो है या फिर 100 में से 1.9 डोजेस, यानी कि ये 2% हो गया। ठीक है, तो ये मतलब कि 1 या 2 कह सकते हैं सिंगल डोज दिया गया है, लेकिन अगर ये फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है अगर किसी को इंडिया में पॉपुलेशन के जो हिस्से हैं तो वो केवल पूरे पॉपुलेशन के वो मात्र 0.3% है। ठीक है, वेल इंडिया हैज़ अर्नड लॉरेल्स फॉर इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी, हालांकि भारत ने प्रशंसा अर्जित की है अपने वैक्सीन कूटनीति के लिए, द फैक्ट, लेकिन तथ्य या वास्तविकता यह है कि देयर आर सेवरल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, कई सारे जो हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, गांव हैं और जिले हैं जहां पर किसी भी तरह का वैक्सीन जो है नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके का जो वैक्सीन है वो नहीं दिया गया है, न फर्स्ट न सेकेंड, दो वैक्सीनेशन इन द सेकेंड फेज अपीयर्स टू हैव पिक्ड अप,
हालांकि कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वैक्सीनेशन जो है दूसरे चरण में लगता है कि वो उसमें तेजी आई है। देयर वर ओनली 1.7 मिलियन इनोकुलेशन ऑन फ्राइडे, उसके बावजूद जो है केवल 1.7 मिलियन इनोकुलेशन हुआ है फ्राइडे को, यानी कि फ्राइडे को जो है 1.7 मिलियन लोगों को टीकाकरण की दिया गया है, यानी कि टीका दिए गए हैं फ्राइडे इवनिंग तक, एज अपोज टू द प्लान्ड वैक्सीनेशन कैपेसिटी ऑफ 5.4 मिलियन। जबकि हमारे पास जो प्लान मतलब योजनाबद्ध तरीके से जो है, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से जो वैक्सीनेशन कैपेसिटी जो बनाई गई थी वो 5.4 मिलियन का था, ठीक है। ये हमारा प्लान था कि हम जो है फ्राइडे इवनिंग तक 5.4 मिलियन वैक्सीनेशन कैपेसिटी को जो है वो अंजाम देंगे, लेकिन उसके विपरीत जो है हमने केवल 1.7 मिलियन को ही इनोकुलेट किया। इंडिया एम्स टू इनोकुलेट एटलीस्ट 250 मिलियन विथ 2 डोजेस फ्रॉम मार्च टू जुलाई, ठीक है ना। यानी कि भारत का लक्ष्य है टीका देने का कम से कम 250 मिलियन लोगों को दोनों खुराकों के साथ मार्च से जुलाई तक में, या फिर कह सकते हैं 3.3 मिलियन डोजेस पर डे, या फिर कह सकते हैं 3.3 मिलियन जो खुराक है प्रतिदिन उससे ज़्यादा। बट एट बेस्ट, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से अगर देखें, यानी कि अगर एट बेस्ट अगर इसे देखें तो इंडिया ने दिया है 1.8 मिलियन डोजेस पर डे अभी तक जो है, प्रतिदिन जो है इंडिया ने जो इनोकुलेट किया है, जो इनोकुलेशन किया है या वैक्सीन जो दिया है इसने इंडिया ने, वो अभी तक में जो सबसे बेस्ट है वो 1.8 मिलियन डोजेस दिया गया है प्रतिदिन। देर इज ऑल्सो एन अपेरेंट क्लास डिवाइड, यहाँ पर जो है एक स्पष्ट जो है वर्ग विभाजन भी है जिसमें जो है रिच एंड दोज बेटर इन्फॉर्म्ड, ठीक है, जिसमें जो अमीर और जो बेहतर तरीके से जो जिसे जिन्हें सूचना है वो डिसप्रोपोर्शनेटली, डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब यहाँ पर कहिए अनुचित, वो जो है उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है एज कम्पेयर टू द पुअर, यानी कि अगर गरीबों की तुलना में देखें तो रिच यानी कि अमीर और जो इन्फॉर्म बेटर इन्फॉर्म्ड लोग हैं जो अच्छे से जिनको सूचना प्राप्त है वो जो है डिसप्रोपोर्शनेटली जो है उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है पुअर के अपेक्षा। दस अलॉन्ग विद द ग्लोबल इनइक्विटी इन एक्सेसिंग वैक्सीनेशन, इंडिया इज सीइंग अ वर्जन ऑफ इट प्ले आउट 3 मंथ सिंस वैक्सीनेशन बिगेन, ठीक है ना। इस प्रकार अलॉन्ग विद द ग्लोबल इनइक्विटी इन एक्सेसिंग वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशंस को प्राप्त करने में या हासिल करने में जो वैश्विक पक्षपात है, ठीक है ना, जो वैश्विक जो एक तरीके से पक्षपात देख रहे हैं उसके साथ साथ जो है भारत क्या देख रहा है इसी चीज़ का एक संस्करण, इसी चीज़ का एक वर्जन होते हुए देख रहा है। तब से 3 मंथ सिंस वैक्सीनेशन बिगेन, यानी कि वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ है उसके 3 महीने बाद से द इनइक्वेलिटी वॉज एक्सपेक्टेड, ये जो इनइक्वेलिटी जो है असमानता जो है वो उम्मीद थी उसकी, एज लाइक मैनी रिच कंट्रीज, क्योंकि कई सारे जो अमीर देश हैं उसी की तरह यूएस ने यानी कि अमेरिका ने अनुबंध किया है कई सारे वैक्सीन कंपनीज के साथ, किसके लिए, फॉर सेवरल टाइम्स द डोजेज इन नीडेड, जितना इसे ज़रूरत है जितने डोज की उससे कई गुना जो डोज मतलब उसे कई गुना डोजेस के लिए जो है इसने कई वैक्सीन कंपनीज के साथ इन्होंने करार किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट वॉज प्रिसाइसली दिस दैट हैड लेड टू कंसर्न्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म, ये ठीक वही है, इट वॉज प्रिसाइसली दिस, ये ठीक वही है जिसके वजह से जो है चिंता पैदा हुआ वैक्सीन नेशनलिज्म का, ठीक है ना, इसके वजह से जो है वैक्सीन नेशनलिज्म का चिंता पैदा हुआ, ये ठीक वही है। द पाइपलाइन ऑफ सप्लाई, ये जो पाइपलाइन है यहाँ पर पाइपलाइन को समझ लिए एक तरीके से भविष्य है, ऑफ सप्लाई यानी कि आपूर्ति का जो भविष्य जो था वो बहुत हद तक निर्भर था भारत और चाइना में, चाइना पर। द सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक एंड सेवरल अदर फार्मा कंपनीज, और कई सारे जो कंपनीज फार्मा कंपनीज हैं वो क्या है, प्राइवेट इंटिटीज हैं यानी कि निजी संस्थाएं हैं, एंड बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स टू द हाईएस्ट बिडर्स,
और वो बंधे हुए हैं अनुबंध से हाईएस्ट बीडर्स के, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं ये, एंड नॉट नेसेसरी द इंडियन गवर्नमेंट, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये भारत सरकार ही हो। वेल द रिप्रीव इज, हालांकि जो राहत ये है कि दैट मोर वैक्सीन्स आर इन द पाइपलाइन, मतलब कि और मतलब कई सारे वैक्सीन्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, यानी कि अभी भी उस पर काम चल रहे हैं, ठीक है, प्रक्रियागत है वो। देयर विल ऑलवेज बी कंसर्न, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये क्या होगा, एक कंसर्न रहेगा, एक चिंता रहेगी कि दैट द पुअर, जो गरीब लोग हैं, जो बूढ़े हैं और जो डिजिटली नाइव पर्सन है, यानी कि डिजिटल रूप से जो अनजान व्यक्ति हैं, एक तरीके से जो अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, या जो मतलब कि जिन क्या कहेंगे आप उसको, आप नाइव मतलब क्या होता है, बचकाना, एक जिसको बहला फुसलाया जा सके, अनजान व्यक्ति आप समझिए ना, तो डिजिटली जो नाइव व्यक्ति हैं, पुअर हैं, ओल्ड हैं, जो हैं, ये सारे जो हैं उनके साथ ठगी की जाएगी, विल बी शॉर्ट चेंज्ड, मतलब कि उनके साथ गलत रूप से पेश होगा, पेश किया जाएगा, यानी कि विल बी ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज व्हाट दे डिजर्व टू व्हाट व्हाट दे शुड रिसीव, ठीक है, तो जो उनको रिसीव मतलब कि जो उनको मिलना चाहिए, जो इतना वो डिजर्व करते हैं, उससे कहीं मतलब कि कम मिलेगा, तो वो जो है एक तरीके से वो अनफेयरली उनके साथ ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। शॉर्ट चेंज का मतलब एक तरीके से ठग लिया जाना। द यूएन एंड WHO मस्ट कंटिन्यू टू एग्जर्ट प्रेशर्स, ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं और जो WHO है जो है वो उनको जो है दबाव बनाए रखना चाहिए, किस पर, प्रिविलेज्ड नेशंस पर, ठीक है ना, कंटिन्यू टू एग्जर्ट प्रेशर, वो जो मतलब दबाव बनाए रखना चाहिए प्रिविलेज्ड नेशंस पर कि वो जो है इम्प्रूव करे ग्लोबल अवेलेबिलिटी को वैक्सीन्स का, ठीक है ना, यानी कि वैक्सीन्स का जो ग्लोबल अवेलेबिलिटी है, वैश्विक उपलब्धता है, उसको इम्प्रूव करे, एज वेल एज बियर अपॉन, साथ ही साथ उन देशों को जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि वो जो है इक्विटेबल एक्सेस को इम्प्रूव करे विद इन देयर टेरिटरी टू, उनके अपने ही क्षेत्र के भीतर जो है इक्विटेबल एक्सेस, यानी कि जो वैक्सीन्स का जो एक्सेस होना चाहिए, यानी कि जो प्राप्ति होनी चाहिए वो न्याय संगत हो, उसके लिए वो उस पर सुधार करने के लिए इन देशों को आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करें। तो दोस्तों ये एडिटोरियल यहीं पर समाप्त हुआ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।